गाइज मैं सुमन जायसवाल, आज की इस वीडियो में आपसे को बताने वाला हूँ, अगर आपके पास इप्सन का L130 मॉडल का प्रिंटर है तो आप अपने फ़ोन से डायरेक्टली पासपोर्ट साइज का फोटो या फिर फोटो प्रिंट कैसे कर सकते हो, इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसके लिए आपको तीन चीज़ों का मदद लेना पड़ेगा। सबसे पहला है OTG। OTG आपको किसी भी दुकान में मिल जाएगा और इसमें आपको दो एप्लीकेशन का ज़रूरत पड़ने वाला है। सबसे पहला है प्रिंट शेयर, ये एक पेड ऐप है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, मेरे वेबसाइट पर ये ऐप अवेलेबल है। और एक ऐप है रेमिनी। इन दोनों ऐप की मदद से आप डायरेक्टली फ़ोन से इस प्रिंटर में आप फोटो प्रिंट आप सभी के सामने लाइव करके दिखाने वाला हूं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं रेमनी ओपन कर लेता हूं। रेमनी ओपन करने के बाद मैंने एक आदमी का फ़ोटो मतलब कैमरा के द्वारा क्लिक किया था, तो उसको मैं पहले हाई क्वालिटी में कन्वर्ट करूंगा, उसके बाद आप सभी के सामने प्रिंट करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये रहा वो फ़ोटो, ठीक है, इसको मैं प्रिंट करने वाला हूँ आप सभी के सामने लाइव, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ओके। तो यहाँ पे फोटो को थोड़ा क्वालिटी में बदलने के लिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे फोटो HD क्वालिटी में कन्वर्ट हो चुका है, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। ये हो गया मेरा डाउनलोड। डाउनलोड होने के बाद आपको एक आपको इसको A4 साइज में आपको लाइन बाय लाइन सेटअप करना पड़ेगा। तो A4 साइज में लाइन बाय लाइन सेटअप करने के लिए आपको पिक्सलैब ऐप का मदद लेना पड़ेगा। पिक्सलैब ऐप को ओपन कर लेना है, ठीक है, अच्छा वो आ चुका है। तो पिक्सलैब जब आप ओपन करोगे तो आपके सामने इस टाइप का ऑप्शन आएगा। सबसे पहले 3 डॉट पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे इमेज साइज पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको 210 डालना है, 210 बाय 297, ठीक है। तो A4 साइज का 210 बाय 297 साइज है, तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे इस पर क्लिक करूंगा और ये जो टेक्स्ट आ रहा है इसको मैं डिलीट कर दूंगा, ठीक है, डिलीट कर दिया। अब इसको वाइट करना पड़ेगा मुझे सबसे पहले। तो यहाँ पे आपको मैं फिर से ऑप्शन दिखा देता हूँ, आपके सामने ये वाला जो ऑप्शन है 4th नंबर में, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे कलर वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको वाइट सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए वाइट ऑप्शन आ चुका है, वाइट पे क्लिक कर लेना। अब ये वाइट में कन्वर्ट हो चुका है, अब मुझे वो फोटो सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये रहा वो फोटो जिसको मैंने HD में कन्वर्ट किया था, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे ये वाला जो दिख रहा है बॉक्स, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे साइज में आपको सिलेक्ट कर लेना है, साइज आपको अपने हिसाब से, मैं आपको करके दिखा देता हूँ, आप भी ऐसे कीजिएगा तो अच्छे तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये फोटो छोटा हो चुका है, अब यहाँ पे आपको इसमें स्ट्रोक ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे स्ट्रोक का ऑप्शन दिख जाएगा, स्ट्रोक पे क्लिक करना है, इसको इनेबल कर देना है। और यहाँ पे ब्लैक वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ब्लैक पे क्लिक करना है, और यहाँ पे जो स्ट्रोक भी था इसको 1 पे रख देना है और टिक पे क्लिक करना है, ठीक है। तो जैसा कि अब यहाँ पे इस फोटो को अब मुझे मतलब कॉपी करके इसको सेटअप करना पड़ेगा साइज बाय साइज। तो यहाँ पे मैं कॉपी पे क्लिक कर लेता हूँ। कॉपी पे क्लिक करने के बाद ये दो को फोटो बन जाएगा, उसके बाद यहाँ पे मैंने सेटअप कर लिया। फिर से मैं कॉपी पे क्लिक करूँगा, फिर से इसको यहाँ पे साइज पे जाके बैठा देना है, फिर से यहाँ पे कॉपी पे क्लिक करना है, फिर से यहाँ पे इसको साइज पे जाके बैठा देना है, फिर से यहाँ पे मैं कॉपी पे क्लिक करूँगा। और इस तरीके से आपको A4 साइज में इस फोटो को पूरे तरीके से सजा देना है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इधर मेरा A4 साइज में फोटो सेटअप हो चुका है। अब यहाँ पे शेयर पे क्लिक करना है, शेयर पे क्लिक करने के बाद कस्टम पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे अल्ट्रा, सबसे HD क्वालिटी अल्ट्रा सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे सेव टू गैलरी पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब मेरा ये A4 साइज में फोटो सेटअप हो चुका है, ठीक है।
ऐड आएगा, इसको कट कर देना। अब मेरा फोटो सेव हो चुका है। अब मुझे करना क्या है, अब सबसे पहले इस प्रिंटर में हमको लाइट देना पड़ेगा, ठीक है। इस प्रिंटर में मैंने लाइट दे दिया, ऑन कर दिया। उसके बाद ये OTG इसमें लगा लेना है। OTG लगाने के बाद आपको फ़ोन में इसको लगाना है। तो जैसा कि यहाँ पे मैंने फ़ोन में लगा दिया, उसके बाद इस पर क्लिक करके ओके पे क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद ऐसा आप सभी के सामने ऑप्शन आ जाएगा, तो इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे यूज जेनरिक का ऑप्शन आएगा, यूज जेनरिक पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यस, प्रोसेसिंग हो रहा है, थोड़ा सा वेट कर लेना है। 30 सेकंड उसके बाद यहाँ पे स्किप पे क्लिक करना है, ठीक है। स्किप पे जैसे ही क्लिक करूँगा यहाँ पे, अब यहाँ पे पिक्चर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। पिक्चर पे क्लिक करना और यहाँ पे इमेज पे मैं क्लिक कर लेता हूँ, ताकि ये वाला मैंने सेव किया था अभी, ठीक है। ये सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन में जाना है। ऑप्शन में जाने के बाद इधर में सबसे पहले पिक्चर साइज को यहाँ पे फिट टू पेज पे क्लिक कर देना है, ठीक है। फिट टू पेज पे ओके, तो उसके बाद ऑप्शन में फिर से जाना है, पेज स्क्रॉलिंग क्रॉप सही है, उसके बाद पिक्चर अलाइन सेंटर सही है ये भी, उसके बाद पिक्चर लेआउट ये भी सही है, और पेज मार्जिन इसमें आपको स्मॉल पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पेज ऑर्गेनाइजेशन, इसको पोर्ट्रेट आपको कर देना है, पोर्ट्रेट ओके। उसके बाद पेज ऑर्गेनाइजेशन ये तो ठीक है, पोर्ट्रेट मैंने कर दिया ऑलरेडी। उसके बाद पेपर साइज में आपको A4 साइज सेलेक्ट करके रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सबसे लास्ट है प्रिंट मोड, तो इन सब सेटिंग को आपको ध्यान रखना है। प्रिंट मोड में आपको वेरी हाई क्वालिटी सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि आप फोटो यहाँ पे प्रिंट कर रहे हो, ओके। अब यहाँ पे मैं इसको कमांड दे देता हूँ प्रिंट का, ओके। तो आप सभी के सामने यहाँ पे फोटो वही है जो मैंने बनाया था, पिक्सल ऐप में सेटअप किया था। उसके बाद यहाँ पे मैंने प्रिंट पे क्लिक किया और यहाँ पे प्रिंट पे फिर से मैंने क्लिक किया, तो अब मेरा यहाँ पे प्रिंटर देखिए कमांड लेना शुरू कर देगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पेज डाल रखा था छोटा सा, अब यहाँ पे फोटो प्रिंट शुरू हो चुका है। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, प्रिंट ऑप्शन में जो भी आपको मैंने सेटअप बताया, बस आप एक बार ही करोगे, आपको बार बार करना नहीं पड़ेगा। बस आप एक बार सारे सेटिंग को कंप्लीट कर लो, उसके बाद आप बार बार अपना प्रिंट करते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, फोटो बस निकलने वाला है।
तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे लाइव मैंने आप सभी के सामने अपने मोबाइल फ़ोन से आपको बताया कि कैसे आप पासपोर्ट साइज फ़ोटो निकाल सकते हो। जैसा कि आप देख सकते हो ये थोड़ा सा ऊपर नीचे है, तो यहाँ पे मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया था उतना, ठीक है। आप अच्छे तरीके से कस्टमाइज़ करके आप इसको सेटअप करके आप ऐसे निकाल सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।